अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका होस्ट कासम अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कासम अली शाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो जॉब्स मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की हैं और इसका पीओ बॉक्स नंबर 1482 इस्लामाबाद है और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 2 मई 2022 है। ये 18 अप्रैल 2022 को ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और जॉब अनाउंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर आप दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 दिन जो हैं वो 2 मई 2022 जो है वो बनते हैं, 15 दिन इसके पूरे हो जाते हैं। और इसमें जिन दोस्तों ने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साला डिप्लोमा, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है और तकरीबन तमाम टेक्नोलॉजीज़ की जो है वो इसमें जॉब्स दी गई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, टेक वन की जो जॉब्स दी गई हैं वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, HVAC, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स आर्ट, बॉयलर ऑपरेटर। तो इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ में जिन दोस्तों ने 3 साला डिप्लोमा किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3rd क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट विद अप टू 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने 3rd क्लास जो है वो सी क्लास बॉयलर का डिप्लोमा किया हुआ है, उन दोस्तों को जो है वो 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे और 1300 रुपये का इनका इंक्रीमेंट है एक। और पे स्केल जो है वो आप दोस्त देख सकते हैं, 60,100 रुपये जो है वो इनकी तनख्वाह है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे पोस्ट दी गई है साइंटिफिक असिस्टेंट 1 की है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, और BSc होनी चाहिए 1st डिवीज़न में फिज़िक्स या केमिस्ट्री में, एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है इसके लिए। तीसरे नंबर पे जो असामी दी गई है कंप्यूटर ऑपरेटर की है या कंप्यूटर टेक्नीशियन की है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है और BSc होनी चाहिए फिज़िक्स, मैथ, स्टैट या इकनॉमिक्स में 1st डिवीज़न में। इसके अलावा जिन दोस्तों ने 3 साला डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे टेक्नीशियन 2 की है वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो FSC प्री इंजीनियरिंग 1st डिवीज़न होनी चाहिए। इसके अलावा 5 नंबर पे जो असामी दी गई है जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए 1st डिवीज़न में विद कंप्यूटर लिटरेसी। 6th नंबर पे जो पोस्ट दी गई ये जूनियर असिस्टेंट 1 की है एडमिन की और ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BCS होनी चाहिए या BBA होना चाहिए। इसके अलावा जिन दोस्तों ने BA या BSc किए हुए 1st डिवीज़न में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पे जो पोस्ट दी गई ये जूनियर असिस्टेंट 1 की है अकाउंट्स की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BBA होना चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग में, 2 साला BBA होना चाहिए 1st डिवीज़न में। इसके अलावा जिन दोस्तों ने BCom किया हुआ है 1st डिवीज़न में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पे जो असामी दी गई है टेलीकॉम ऑपरेटर 1 की है और कॉन्ट्रैक्ट पे है ये भी और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट 1st डिवीज़न में होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 9वें नंबर पे जो असामी दी गई है ये ड्राइवर 3 की है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक पास होना चाहिए और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LTV या HTV और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10वें और सबसे आखिरी नंबर पे जो असामी दी गई ये कुक की है, कुक 2 की, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मिडिल पास होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट जो है वो तमाम असामियों के लिए 18 से लेकर 35 साल तक है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने महकमा की तरफ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वाले दोस्तों को कोई TA DA नहीं दिया जाएगा।
और इसमें जो अप्लाई करने का तरीकाकार है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। इसमें जो है वो आपने वैकेंसी अनाउंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप दोस्तों ने अप्लाई करना है, और ये वैकेंसी जो है वो 18 अप्रैल को जो है वो अनाउंस हुई है। तो आप 2 मई तक जो है वो इस जॉब से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई जो है वो आपने जो लिंक दिया हुआ है ये 7वें नंबर पे जो 7वां पॉइंट दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो इनकी वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि तमाम दोस्तों को भी इन जॉब से आगाही हो सके। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।